नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को बीजेपी के खिलाफ बताने वाले राकेश टिकैत ने किस कदर सपा को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, ये बात तो आप जानते ही हैं। किसानों के मंच से लेकर न्यूज चैनलों तक पर वो योगी के खिलाफ जुबान खोलते रहे, लेकिन आज जब नतीजे आए तो न सिर्फ पूरी यूपी ने एक बार फिर से बीजेपी को जिता दिया, बल्कि पश्चिमी यूपी में भी बीजेपी की जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। इसी तरह के प्रचंड नतीजों के बाद अब सोशल मीडिया पर राकेश टिकैत का खूब मजाक लगातार उड़ रहा है। किसान आंदोलन की आड़ में खुलेआम बीजेपी के विरोध में उतरे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की अब चुनावी नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर खूब फजीहत हो रही है। पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध ने तंज मारते हुए एक ट्वीट में पूछा, टिकैत जी कहाँ हैं? कोई चैनल उन तक पहुंचा या नहीं अभी तक? हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के पूर्व ओएसडी जवाहर यादव ने लिखा, उत्तर प्रदेश के असली किसानों द्वारा नकली किसान राकेश टिकैत को एक्सपोज करने पर बधाई, जय जवान जय किसान। हरियाणा के ही बीजेपी नेता अरुण यादव ने लिखा, डकैत के तो बक्कल उतार दिए असली किसानों ने। हरियाणा की जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रतीक सोम ने लिखा, राकेश टिकैत ने आज भगवा पगड़ी पहन ली, हमारे भोले किसान को यह शख्स 100 साल पीछे ले गया, आंदोलन बहुत गलत हुआ, छल हुआ, देश के साथ किसानों के साथ। दिल्ली के बीजेपी प्रवक्ता अजय सहरावत ने ट्वीट कर लिखा, बक्कल उतार दिया राकेश टिकैत का। एक और ट्वीट में अजय सहरावत ने लिखा, जयंत चौधरी के परिवारवाद की राजनीति और राकेश टिकैत के जातिवाद जहर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों ने नकार दिया, मुझे खुशी है कि जाट राष्ट्रवाद के साथ खड़ा है, जाट बलवान जय भगवान। पत्रकार रोहित रंजन ने लिखा, राकेश टिकैत कहीं नजर आया क्या? हैंडपंप चलाते हुए मध्य प्रदेश के बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने लिखा, आज तो राकेश टिकैत भगवा पगड़ी पहनकर टीवी पर बैठे हैं। पवन पंडित नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, राकेश टिकैत की कोको तो अखिलेश से ही खोखो खेल गए। खुद को किसान नेता बताने वाले राकेश टिकैत के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो वहीं खुद राकेश टिकैत ने एक बयान में कहा, जनता ने तो वोट दिया नहीं, क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है, ये तो मशीन का वोट है, अब चुनाव बैलेट से होना चाहिए। पश्चिमी यूपी के 50% सीटों पर बीजेपी की बढ़त पर राकेश टिकैत ने सवाल दाग दिया, क्या MSP गारंटी कानून आएंगे, क्या बिजली के दाम कम होंगे? जबकि बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने भी पलटवार करते हुए कहा, जो भी विपक्षी दल चुनाव हारता है वो EVM पर ठीकरा फोड़ता है, कृषि कानूनों को वापस लेने का सकारात्मक असर पड़ा, पश्चिमी यूपी के लोग दंगे और कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं भूले, योगी सरकार ने स्थितियां बेहतर की, लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंची। आपको बता दें कि राकेश टिकैत भले ही भारतीय किसान यूनियन के नेता रहे हों, लेकिन किसानों के मुद्दे से ज्यादा वो सियासत की बातें करते रहे। यही वजह है कि बीजेपी को हराने के लिए पहले पश्चिम बंगाल गए और फिर यूपी विधानसभा चुनाव में भी न्यूज चैनलों पर बैठकर खूब बीजेपी विरोधी एजेंडा चलाया, लेकिन यूपी की जनता ने उनके सारे बीजेपी विरोधी एजेंडे को किनारे कर दिया और एक बार फिर से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार अब आती दिख रही है।